चैनपुर प्रखंड के कटकाही कहे जाने वाले स्थान पर है। उस भोड़ू के पास में हम लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। फादर लिवंस जीवित हैं। भूताहा भोड़ू, जिसमें फादर लिवंस ने शैतान से लड़ करके विजय पाया। हम लोग इस समय सिरसी गांव से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और ये देखिए हमारे कार्तिक सभा के संयुक्त सहायक सचिव और सचिव जी भी धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर फादर लिवंस का जो भूताहू भोड़ू है, उस भोड़ू के पास में हम लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी लंबी चढ़ाई, कहा जाता है कि सिरसी गांव से करीब 3 किलोमीटर ऐसा बोला जाता है। हम लोग उसी की चढ़ाई कर रहे हैं और लगभग थक के हम लोग चूर हो गए हैं। पर सिरसी गांव के 2 बेटे लोग आगे आगे जा रहे हैं, वे लोग हमारी अगुवाई कर रहे हैं और कहते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है बाबा लोग। हम लोग कई बार यहाँ आते जाते हैं और लकड़ी सब भी उतारते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जो है, जबकि यहाँ पर चढ़ने के लिए रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है और एकदम सीधे 110 किलोमीटर के कोण से ये चढ़ाई है, चढ़ान है, उसको भी गांव वालों ने अपनी मेहनत से बना करके कुछ सहज किया है। तो हमेशा ये लोग मिट्टी सब भरते हैं और आज के इस दिन की तैयारी करते हैं। बारहवें क्षेत्र में फादर लिवंस की चमत्कारी घटनाओं के विषय में हम लोग कई चीज़ों को सुनते हैं और उन्हीं में से एक जगह है जो चैनपुर प्रखंड के कटकाही कहे जाने वाले स्थान पर है और कटकाही के सिरसी गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर एकदम पहाड़ कर ऊपर यह स्थान बसा हुआ है। यहाँ जो है इस जगह पर एक बहुत बड़ा भोड़ू हुआ करता था 1889 और उससे पहले, और यहाँ पर इस भोड़ू पर जो है शैतानों का राजा यहाँ पर निवास करता था और इस क्षेत्र से लोग बहुत ही डरते थे और इस आसपास लोग आना जाना भी नहीं करते थे। जिस समय फादर लिवंस यहाँ पर आए 1989 में, जिस समय बरवे आए और लोगों को जो वे मिले जुले तो पता चला कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है और लोग उस समय भूत प्रेत जमींदारों और राजाओं के शोषण पर जीते थे। सबसे ज़्यादा भी लोग भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डरते थे। उस समय यहाँ पर फादर लिवंस आए और उन्होंने इस जगह पर कहा कि मैं जा करके देखता हूँ कि वहाँ पर कौन सा भूत है, कौन सा प्रेत है। और ऐसे लोग बताते हैं कि वे इस विशालकाय भोड़ू यहाँ पर था और अभी उससे इस भोड़ू को बचाने के लिए पत्थरों से इसे ढक दिया गया है। वहाँ पर फादर लिवंस एक रात वो रात भर रहे और वे शैतानों के राजा से वो लड़ते रहे। लोगों को ये लगने लगा कि फादर लिवंस जो है वो जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो भी यहाँ पर आता है वो जिंदा नहीं लौटता है। और वे लोग सुबह में आए, गांव के लोग आए कि फादर लिवंस तो अब मर गए होंगे, इसलिए उनको उनके मृत शरीर को उतारना है। ये सोच करके वे लोग जो है बाँस और अन्य जो है बाँस का टटरा और मृत शरीर को ढोने का जो सामान होता है वो सब लेकर के आए थे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है उस समय बहुत ही दुर्गम था, इसलिए यहाँ चढ़ना उतरना यहाँ बहुत कठिन था। लेकिन जब लोग आए उस समय उन्होंने देखा कि फादर लिवंस का घोड़ा वो भी एक तरफ बांधा हुआ है और उसकी आवाज़ आ रही है, और तब उन्होंने देखा कि फादर लिवंस के साथ में वो अपने घोड़े के साथ में फादर लिवंस बात कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि फादर लिवंस जीवित हैं। और उसी के बाद से लोगों ने उन पर विश्वास किया और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया और उसके बाद से इस क्षेत्र में पूरी तरीके से कार्तिक विश्वास उनकी संख्या बढ़ती गई और आज भी लगातार बढ़ती ही गई है। हम फादर लिवंस को उनकी वीरता के लिए, उनके ईश्वरीय ज्ञान के लिए सत सत नमन करते हैं।